मेरा नाम सुरेंद्र रावत है, मैं अभी गौर सिटी मॉल में हूँ। जैसे रिसेप्शन होते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर होता है, हेल्प डेस्क कहते हैं उसे, तो उस पे मैं हूँ। तो जॉब वैकेंसीज वगैरह रहती हैं हर एक मॉल में, इस तरीके का मैनेजमेंट होता है। तो सैलरी पैकेज फ्रेशर को कितना लगभग मिल जाता है? ये आपको अभी मॉल में काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरा अभी ये रिटेल इंडस्ट्री जो है ये नया है, तो अभी मेरे को एक साल हुआ है इस मॉल से। आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता कैसे चला? तो इंटरव्यूज में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते? सब्सक्राइब कीजिए jobnow247.com को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खास होने वाली है, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मेरे साथ है सुरेंद्र जी, जो कि एक बहुत बड़े मॉल में काम करते हैं, और इनके इंटरव्यू के थ्रू मैं आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ कि अगर आपको भी मॉल में काम करना है, मॉल में अपना करियर बनाना है, तो आज के टाइम पर यानी कि 2023 में आप किस तरीके से मॉल में अपना करियर बना सकते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा, ए टू जेड सारी जानकारी दूंगी आज की इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेंद्र रावत है। और सर, अभी आप कहाँ पर काम कर रहे हैं? मैं अभी गौर सिटी मॉल में हूँ। अच्छा, तो आप वैसे ब्रांड्स के लिए काम करते हैं या डायरेक्ट? नहीं, मैं मॉल मैनेजमेंट से हूँ, तो मतलब जैसे रिसेप्शन होते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पे इंक्वायरी काउंटर होता है, हेल्प डेस्क कहते हैं उसे, तो उस पे मैं हूँ। तो किस पोस्ट पर काम करते हैं आप? मैं सीनियर हेल्प डेस्क एग्जीक्यूटिव। इसमें काम क्या करना होता है बेसिकली? लाइक जैसे किसी भी ऑफिस में जाएंगे, किसी नए प्लेस में जाएंगे, तो रिसेप्शन देखते हैं ना वहाँ पे, तो इंक्वायरी काउंटर, कंप्लेन काउंटर, तो ये हमें हैंडल करना होता है वहाँ पे। जैसे कोई भी नया पर्सन है, नई जगह आया है मॉल में, उसे कोई चीज़ नहीं पता है, कोई स्टोर के बारे में पूछना है या लोकेशन पूछनी है, तो वो हमें गाइड करनी होती है, या किसी कस्टमर की क्वेरी है मॉल से रिलेटेड, स्टोर से रिलेटेड, तो वो भी हम डील करते हैं। अच्छा, तो ये जो जॉब वैकेंसीज वगैरह रहती हैं हर एक मॉल में, इस तरीके का मैनेजमेंट होता है? हर तरह का मैनेजमेंट होता है हर जगह, हाँ। एक हायरार्की, एक प्रोसेस होता है हर कंपनी। सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा मेन है वो ये रहा है आपसे कि बहुत सारे लोग हैं आजकल जो कि इस मॉल में अपना करियर बनाना चाहते हैं या आजकल जॉब अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, तो किसी अगर मॉल में अपना करियर बनाना है तो अप्लाई कैसे करें? डायरेक्ट मॉल में जाए, वेबसाइट्स पर जाकर अप्लाई करें, आप क्या करें? ये जो है ना मॉल जो है या ये जो है ये रिटेल होता है बेसिकली, ठीक है, रिटेल इंडस्ट्री है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप एज अ रिटेलर कहीं पर काम करिए, किसी स्टोर से जुड़ जाइए, या अगर मॉल मैनेजमेंट की मैं बात करूँ तो एक फैसिलिटी मैनेजमेंट करके अलग से कोर्स होता है, ठीक है, जैसे BSc होता है, बैचलर्स इन होटल मैनेजमेंट, तो वैसे फैसिलिटी मैनेजमेंट एक कोर्स होता है, उसके थ्रू आप अगर डिग्री लेते हैं या डिप्लोमा करते हैं तो मॉल मैनेजमेंट में आपकी जॉब लग सकती है। उसके अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ऑपरेशंस है, मेंटेनेंस है, इंजीनियरिंग है, ठीक है, तो उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है। बाकी एज अ फ्रेशर आप कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं, फिर वो एक्सपीरियंस के साथ आपको टाइम देना होगा, तो उसके थ्रू फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो जो ये कोर्स आपने बताया फैसिलिटी मैनेजमेंट वाला, इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन मिनिमम रिक्वायर्ड होती है? कुछ नहीं, 10+2 के बाद ऐसे ग्रेजुएशन कह सकते हैं इसे। अच्छा। कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं अपनी किसी एक स्ट्रीम में, तो फैसिलिटी मैनेजमेंट भी उसी के अंदर आता है। अच्छा, अगर हम बात करें, जैसे अभी हम इस वक्त नोएडा में खड़े हुए हैं, अगर हम बात करें कि एक गौर मॉल एक बहुत बड़ा मॉल है, तो लगभग स्टार्टिंग सैलरी पैकेज फ्रेशर को कितना लगभग मिल जाता है? ये कोई फिक्स नहीं है, एक अप्रॉक्स है, हर कंपनी का अलग होता है, हर कंपनी का अलग क्राइटेरिया होता है। कोई फ्रेशर को 15 भी ऑफर करते हैं, कोई 20 भी ऑफर करते हैं, तो डिपेंड करता है। बाकी अगर आप फ्रेशर में, वैसे 10-15 का ही क्राइटेरिया होता है जहाँ तक मैंने देखा है, हाँ। क्या फ्रेशर्स वगैरह लोगों के लिए भी इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज आती है? आ सकती हैं, जहाँ पर अगर जैसे कंपनीज में अलग अलग रोल होते हैं, किस पोस्ट के लिए उन्हें चाहिए, किस पोजीशन पे चाहिए, ठीक है, अगर उन्हें फ्रेशर चाहिए, ठीक है, तो दे विल हायर, तो डिपेंड करता है कि उन्हें किस तरह का कैंडिडेट चाहिए। फ्रेशर चाहिए तो दे विल हायर फ्रेशर, अगर उन्हें एक्सपीरियंस चाहिए तो दे विल हायर एन एक्सपीरियंस पर्सन। आपको अभी मॉल में काम करते हुए कितना टाइम हो गया? मेरा अभी ये रिटेल इंडस्ट्री जो है ये नया है, तो अभी मेरे को एक साल हुआ है इस मॉल से, अदरवाइज आई एम ऑल्सो फ्रॉम दी होटल बैकग्राउंड। तो आप एक साल पहले ही ज्वाइन आपने मॉल किया, तो आप मुझे बता सकते हो कि आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में पता कैसे चला? थ्रू naukri.com बेसिकली। पोर्टल जो ये होते हैं ना, जो ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं, naukri.com है, shine.com है, तो यहाँ पर आप अपना बायोडाटा बना के रख लीजिए, एक प्रोफाइल बना के रख लीजिए, ठीक है, चांसेस हैं 25-30% की वहाँ से भी आपको कॉल आ जाए, ठीक है, लोग आपसे कनेक्ट करें। बाकी फ्रेंड सर्कल के थ्रू भी पता लगता है, ठीक है, लाइक अगर मुझे अब जॉब चेंज करनी है तो हो सकता है कि shine.com, naukri.com मुझे कॉन्टैक्ट करें, या मुझे अपने फ्रेंड से, अब बेसिकली इसी बैकग्राउंड से, लाइक जो रिटेल में है या जो अलग अलग मॉल मैनेजमेंट में है, अलग अलग मॉल्स में है, तो मैं उनसे कॉन्टैक्ट करूँगा,
तो चांसेस है कि वहां से मुझे ज्यादा बेटर पता लग पाए। अच्छा, ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट हम वॉक इन करके भी पता लगा सकते हैं कि नौकरी निकली है या नहीं? सच बताऊं, मैं वहां पर हूं, उस एरिया में हूं, तो आज ही मेरे पास 3 से 4 लोग आए थे पता करने, तो ऐसे पता नहीं लग पाता। हाँ, मैं स्टोर्स के लिए उन्हें मैं गाइड कर सकता हूँ कि लाइक जैसे कोई शॉपर स्टॉप है, लाइफस्टाइल स्टोर है, वहाँ पे अगर वैकेंसी चल रही है तो आप उनके स्टाफ से जाके पता कर सकते हैं। ठीक है, मॉल मैनेजमेंट में अगर कभी हुई देन आई कैन गाइड देम। तभी आप बता सकते हो कि जब आती है। हाँ। लेकिन अगर HR अगर आपका भी हो तो वो डायरेक्ट जो टॉप प्लेटफॉर्म से वहीं पर पोस्ट करते हैं, वो वहाँ पर पोस्ट भी करते हैं, वो हमसे भी कभी कभी कॉन्टेक्ट करते हैं कि इस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकली है, अगर आपके पास कोई सूटेबल कैंडिडेट है आपके फ्रेंड सर्कल में, ठीक है, तो इन्फॉर्म करिए। हाँ, तो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे आप काफ़ी आपको एक्सपीरियंस भी है और 1 साल पहले आपने मॉल इंडस्ट्री ज्वाइन करी है, तो इंटरव्यूज़ में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? यहाँ पर कोई टेक्निकल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आपका कस्टमर हैंडलिंग, ठीक है, आपका बिहेवियर, आपके एटिकेट्स, आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, ठीक है, ये मैटर करता है। बाकी हाँ, इंटरव्यू पे 2-3 क्वेश्चन वो आपसे रिलेटेड पूछेंगे, क्योंकि कोई टेक्निकल नहीं है, लाइक इंजीनियरिंग फील्ड नहीं है, पर नॉर्मली क्वेश्चन रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह, ये तो डिपेंड करता है। हाँ, ये तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जिस एरिया में हम बैठते हैं ना, तो वो बेसिकली मॉल का फ्रंट है, मॉल का फेस कह सकते हैं कि लाइक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मॉल को, तो हमारा ही प्रेजेंटेबल होना ज़रूरी है। तो हमारे और डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स आएंगे, लाइक फॉरनर्स भी आते हैं, अलग अलग आते हैं, लाइक जिस किसी को हिंदी नहीं पता, किसी को इंग्लिश नहीं पता, तो वो हमारा रोल है कि हमें एटलीस्ट वो लैंग्वेज पता हो कि हम उनसे इंटरेक्ट कर पाए। अगर कोई अगर मॉल में अपना करियर बनाना चाहे तो उसको अपनी पर्सनैलिटी किस तरीके से डेवलप करनी चाहिए, एक और टिप दे दीजिए। पर्सनैलिटी क्या होता है कि हाँ, आपको थोड़ा अपना नॉलेज एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, और प्रेजेंटेबल रहना पड़ेगा, ठीक है। अब इंडस्ट्री के ऊपर होता है, लाइक यहाँ पर है कि ज़्यादा फॉर्मल्स चलता है, ठीक है, तो हमें प्रोफेशनल रहना पड़ता है, फॉर्मल अटायर में रहना पड़ता है, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। बाकी जो जिस रोल के लिए आप जा रहे हैं, तो रोल के बारे में आपको पहले से ही पता होगा कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उस तरह रहना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, आपने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की और आई होप लोगों को भी समझ में आया होगा। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक कीजिए, और इसी तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।